उन पवित्र महान गुणवान शीलवान समाधिवान प्रज्ञावान पवित्र आर्य महासंघ को संसार में देव मानव में सर्वश्रेष्ठ पवित्र साधु संत को नमन हो। साधु साधु साधु। अरहंत लोगों का नाम सुनना भी अतिशय सुंदर चीज है। सचमुच में कोई अरहंत को दर्शन करने का मौका आ गया तो हमारा सौभाग्य की बात है। तो संसार में इस धरती पर मानव धरती पर कदम रखे हुए उन अरहंत लोग आश्चर्य मानव में आता है। उपसील सूत्र में है, दुनिया में आश्चर्य उत्तम लोगों का जन्म सिर्फ बुद्ध शासन में ही होता है। इसका कारण सोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहत इत्यादि मार्ग प्राप्त होने वाले आर्य अष्टांगिक मार्ग सिर्फ कहां पर है? बुद्ध शासन में है और कहीं नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया, पुण्यवान उपशीव निर्वाण अनुबोध करने वाले अरहंत लोग कोई सीमा नहीं है। उन लोग गिनती में नहीं आता उनका गुण, जिसको कि कोई तोल नहीं सकता है। अगर तोलने वाले कोई तराजू है तो ऐसा कोई तराजू इस संसार में है ही नहीं है, क्योंकि वो अरहंत लोग सारे वाद विवाद इत्यादि सारे चीजों से मुक्त हो गया है। अरहंत लोगों का जीवन सामान्य लोगों को सोच भी नहीं सकता है, उतना ही हल्का है। उन लोगों का जीवन उतना ही सरल है, उतना ही मुक्त है। इस दुनिया में शांति से रहने वाले उन अरहंत लोगों का जीवन के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया धम्मपद में। उन अरहंत लोग चार सतिपट्ठान में ही जीवन बिताते हैं। उन लोग तृष्णा में कभी आसक्त नहीं होते हैं। पोखर को छोड़ के उड़ के जाने वाले हंस जैसा छोटा बड़ा सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब अरहंत लोग मतलब हंस जैसा है ना। हंस एक पोखर छोड़ के उड़ के जाते समय कभी सोचता है ये पोखर मेरा है, ये पोखर वापस आऊंगा, कभी नहीं सोचते। वैसे ही है अरहंत लोग, पोखर छोड़ के जाते ही कुटिया छोड़ के जाते समय अपना संपत्ति छोड़ के जाते समय एक बूंदा भी मनन नहीं करता है, वापस मैं आऊंगा ले लूंगा। इतना ही उन संत पवित्र है। और धम्मपद में है, एक चतुर सारथी यानी कि ड्राइवर है ना, एक चतुर सारथी अच्छा से अपना घोड़ों को सुधारता है। जिस रास्ता पे जाना चाहे उसी प्रकार अपना वश में कर लेता है घोड़ों को, है ना, रथ का। वैसे ही है अरहंत लोग अपना छह इंद्रिया अपना वश में कर लेते हैं। सारथी जिस रास्ता पे जाना चाहता है उसी रास्ता पे घोड़ा जाता है। वैसे ही है जो चाहता है वैसा छह इंद्रिया करते रहेगा। इसलिए परिपूर्ण रूप से वे शांत हो गए हैं। उनका मन में कोई मान घमंड नहीं है, अकंपित है, निक्लेशी है। इसीलिए अरहंत लोग देवताओं को बहुत ही प्रसन्न है। अरहंत लोगों का शरीर का आचरण खूबसूरत है और मुंह से निकलने वाली वाणी अतिशय सुंदर है। उन लोग का मन तो निक्लेशी है। अरहंत लोगों के चलते जहां अरहंत लोग रहता है वहां पर्यावरण बदल जाता है, पर्यावरण भी खूबसूरत होता है।
धम्म पद में है, जिस गांव में या कोई वन में या कोई जंगल में या कोई पहाड़ में कहीं भी अरहंत लोग, कोई भी अरहंत है तो वो जगह अतिशय सुंदर होता है। अरहंत लोग का प्रज्ञा आश्चर्य है। भगवान बुद्ध ने बताया अरहंत लोग का प्रज्ञा अटल है, असीम है। धम्म पद में है, रास्ता के किनारे गंदा गिराने वाले खचड़ा का लाली है, गमकता है। उस लाली में एक सुंदर कमल का फूल खिलता है। वो कमल का फूल तो अतिशय सुंदर है, सुगंध है। वैसे ही है गंदगी, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, घमंड, मान, उद्दच्च, अविद्या इत्यादि नीच विचारों से भरे हुए दुनिया में तथागत भगवान बुद्ध की शिष्य लोग अतिशय चमकता है। उन आर्य महासंघ पूरे संसार में कमल का फूल के समान होता है, चमक रहा है। अरहंत लोगों ने सब कुछ जान गया। उन लोग सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतज्ञ ज्ञान, ये तीन प्रकार सब कुछ जान गए। सत्य ज्ञान मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग पे आया। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पे आया मतलब चार आर्य सत्य की नॉलेज उनके पास है, जानकारी है। दुख के बारे में, दुख का कारण के बारे में जानता है, दुख निरोध के बारे में जानते हैं, दुख निरोध का मार्ग के बारे में भी वो जानते हैं, ये दुख मिटाने का तरीका भी जानते हैं। वो जानकारी आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये सब कुछ अनुबोध उनके पास है। इसको सत्य ज्ञान कहते हैं, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान मतलब चार आर्य सत्य के बारे में परिपूर्ण रूप से जानकारी है। कृत्य ज्ञान मतलब ये दूसरा परिवर्त ज्ञान। कृत्य ज्ञान मतलब जो अनुबोध किया उसके अनुसार करने वाली चीज को कृत्य ज्ञान कहता है। इसका मतलब अनुबोध जान गया क्या है चार आर्य सत्य, अभी चार आर्य सत्य को प्रयास करना है, या कैसे दुख को अनुबोध करना है, दुख का समुदय तृष्णा को नष्ट करना है, दुख का निरोध को साक्षात्कार करना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग को क्या करना है, प्रयास करना है। कैसे? सील, समाधि, प्रज्ञा के रूप से, यानी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रैक्टिस करने से वो क्या प्रैक्टिस करता है, सील, समाधि एवं प्रज्ञा, ये चार आर्य सत्य प्रयास कर रहा है। पहले जान गया ये है सत्य, सत्य ज्ञान है। कृत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान मतलब अभी कर रहा है। कृतज्ञ ज्ञान, कृतज्ञ ज्ञान मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रयास करना शुरू करता है। शुरू करके 37 बोधिपाक्षिक धर्म अपनाता है। 37 बोधिपाक्षिक धर्म, चार सतिपट्ठान, चार सम्यक प्रधान वीर, सप्त बोधंग, पंच इंद्रिय, पंच बल, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये 37 बोधिपाक्षिक धर्म अपना अंदर जन्म लेता है। सील, समाधि, प्रज्ञा संपूर्ण होता है। ये परिपूर्ण रूप से जान गया, इसीलिए इसको कृतज्ञ ज्ञान कहता है। सत्य ज्ञान मतलब नॉलेज आ गया, कृतज्ञ ज्ञान मतलब उस ज्ञान के अनुसार प्रैक्टिस कर रहे हैं। सील, समाधि, प्रज्ञा, कृतज्ञ ज्ञान मतलब सील, समाधि, प्रज्ञा संपूर्ण हो गया। इसीलिए अरहंत लोग हमेशा ये सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतज्ञ ज्ञान संपूर्ण होने के बाद उदान वाक्य बताते हैं।
जन्म लेना खत्म हो गया, जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचारी जीवन संपूर्ण हो गया, निर्वाण के लिए जो कुछ करना है वो संपूर्ण कर लिया, निर्वाण के लिए और कुछ भी बचा नहीं है, जो कुछ करना है कर लिया। दुनिया में बहुत ही समय के बाद, बहुत समय बीतने के बाद ऐसा समय आ जाता है, मानव को भगवान बुद्ध की धर्म मिल जाता है छन संपत्ति का नाम से। मानव जन्म अतिशय मुश्किल है, उस मानव जन्म का छन संपत्ति परिपूर्ण रूप से पाए हुए उत्तम लोगों को कहता है अरहंत लोग। हर एक बुद्ध देशना में है अरहत्व को प्राप्त करने के बारे में, कभी भी भगवान बुद्ध जी दूसरा कोई टारगेट बताया नहीं, सीधा अरहत्व को प्राप्त करने के लिए बताया। सबसे पहले ये समझने के बाद लोग भगवान बुद्ध के बारे में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, इसके बाद भगवान बुद्ध के ज्ञान के अनुसार मनन करने लगता है, मनन करके वो लोग गृहस्थ जीवन छोड़ के जीवन पहनते हैं, बुद्धिमान लोग। बुद्ध शासन का मतलब भगवान बुद्ध जी ने जो बताया उस निर्वाण के मार्ग को कहता है बुद्ध शासन, जो भगवान बुद्ध ने दिखाया उस रास्ता को बुद्ध शासन कहते हैं। तथागत ने बताया, आप लोग जानते हैं, सब पाप असकरणं कुशला सुप संपदा सचित परियदपनं एतं बुद्धान शासनं। बुद्ध शासन मतलब समझ गया ना, सारे पाप नहीं करना बुद्ध शासन है, पुण्य का संचय करना बुद्ध शासन है, अपने मन को पारिशुद्ध करना बुद्ध शासन, यही सारे भगवान बुद्ध लोगों का शासन है। भिक्षु शासन भिक्षुनी शासन नाम से आ गया ना, वो गलत है, हमारे गुरु बांते जी बताते हैं बुद्ध शासन होता है, भिक्षु संघ होता है, भिक्षुनी संघ होता है, शासन नहीं होता है, भिक्षु शासन भिक्षुनी शासन नहीं, एक शासन होता है, वो क्या है? बुद्ध शासन। पाप नहीं करना, पुण्य करना, अपना मन को पवित्र करना, यही बुद्ध शासन। तो इस गौतम बुद्ध शासन में ही हम लोग को निर्वाण प्राप्त करने का भाग्य मिल जाए का मतलब क्या है? यानी कि तथागत गौतम भगवान बुद्ध के ज्ञान में ही हम लोग को मुक्ति मिल जाए। बुद्ध शासन में आना मतलब क्या है? बुद्ध शासन में घुसना मतलब, बुद्ध शासन में घुसना मतलब बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाकर के चीवर पहन के जब उपसंपन्न होता है तब बुद्ध शासन में घुस जाता है। इसके बाद धीरे धीरे अरहत के लिए सुधर जाता है, इसलिए अरहंत लोग कहते हैं खतम बुद्ध शासन। खतम बुद्ध शासन मतलब बुद्ध शासन को संपूर्ण किया, इसका मतलब बुद्ध शासन में घुसने के लिए कौन घुस सकता है? चीवर पहन के, वो भी उपसंपन्न होने के बाद। हर एक उपदेश में भगवान बुद्ध ने बताया भिक्खु भिक्खवे, भिक्खु शब्द इस्तेमाल किया ना, भिक्खु कहता है उपसंपन्न लोगों को, उपसंपन्न होने तक वो भिक्खु नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया पुण्यवान ब्राह्मण, ब्राह्मण मत ब्राह्मण, घोड़ा को सुधारने वाले व्यक्ति को साइंधव जात का, साइंधव यानी कि सबसे हाई क्वालिटी जात का एक घोड़ा मिल गया तो सबसे पहले वो क्या करता है, मुंह में रस्सी डालता है, उसको प्रयास करता है, इसके बाद वो बाकी चीज सिखाता है। सबसे पहले क्या करता है, रस्सी बांधता है ना, मुंह में डालता है ना एक रस्सी। पुण्यवान ब्राह्मण वैसे ही है, कोई भी व्यक्ति बुद्ध शासन में आ गया तो सबसे पहले इसी प्रकार उसको सुधारते हैं। पुण्यवान भिक्षु आइए,
अभी आप सीलवान हो जाइए, प्राथमोक्ष सील से संयम हो जाइए, आचार विचार संभाल के रखिए, मात्र गलती का भी डर देखिए, अपना सील की सुरक्षा करिए। पुण्यवान ब्राह्मण अब सील को सुधार के उनको कहता है अपना छह इंद्रिया को सुधारना है, यानी कि आंख से रूप देख करके आंख अशांत हो गया तो मन में गंदगी घुस जाता है, कान अशांत हो गया तो मन में गंदगी घुस जाता है, नाक जीभ शरीर मन अशांत हो गया तो मन में गंदगी घुस जाता है। ऐसा है तो छह इंद्रिया शांत करने के लिए दूसरे में बताता है। इसके बाद इंद्रिय शांत होने के बाद उन्होंने बताते हैं भोजन करना चाहिए अनुबोध से ही, और मनन करके ही ये भोजन हम लेते हैं शक्ति पाने के लिए नहीं, नशा के लिए नहीं, सुंदर होने के लिए नहीं, मजा लेने के लिए नहीं, हम इस शरीर को ले जाने के लिए खाते हैं, थकावट दूर करने के लिए खाते हैं, ब्रह्मचारी जीवन को अनुग्रह होने के लिए हम खाते हैं, पुराना परेशान दर्द को मिटाने के लिए हम खाते हैं, नया दर्द को नहीं होने के लिए हम खाते हैं, अपना जीवन यात्रा आराम से ले जाने के लिए खाते हैं, सही जीवन बिताने के लिए हम खाते हैं। उसी प्रकार भोजन लेना शुरू कर देता है। इसके बाद उसको और सुधारता है, भिक्षु इधर आइए, अभी आप नींद को कंट्रोल करके ध्यान करना पड़ेगा, तो दिन का समय में चक्रमण करना चाहिए, बैठना चाहिए, और शाम में तक रात तक, फिर रात होने के बाद दाएं की ओर मुड़ के दाएं हाथ पर सिर रखे, दाएं पैर पर बाएं पैर रखे, शरीर सीधा करके होश में रहते हुए सोना चाहिए, हम सुबह सुबह उठ जाएंगे, उसको सिंह सैया कहता है। फिर सुबह सुबह उठ के चक्रमण करते हैं, बैठते हैं। पुण्यवान ब्राह्मण उसी प्रकार निंद को हटा के ध्यान करने मेहनत करने वाले भिक्षु को और सुधारते हैं, अभी होश में रहिए, आते समय जाते समय इरियापत सिखाता है, हाथ पैर मोड़ते समय, सीधा करते समय, पात्र लेते समय, भोजन करते समय, कुछ खाते समय, पीते समय, सुनते समय, सोते समय, बिना सोते रहते समय, चुप होते समय, बात करते समय, हर पल होश में रहना चाहिए, ताकि कोई गंदगी विचार अपना मन में न आए। पुण्यवान ब्राह्मण उसी प्रकार अपना आचरण पवित्र करने के बाद और सुधारते हैं। अभी आइए आकर के अभी अकेले ध्यान करना सीखना चाहिए। अब अकेला समय कब आया? बहुत समय जाने के बाद, पहले सील कंप्लीट होने के बाद, इंद्रिय संवर होने के बाद, इसके बाद भोजन होश में रहते हुए लेने के बाद, नींद को पालन करके, यानी कि नहीं सोना है, सोना चाहिए, नींद को पालन करके सुबह शाम ध्यान करने के बाद, इसके बाद हर पल होश में रहना शुरू होने के बाद, आते समय खाते समय भी हर पल होश में रह, हर आचरण पर होश रखने के बाद उनको बताता है अब एकांतवास में जाओ, जहां पेड़ पौधा है, जंगल है, झरना है, जाओ, जाकर के अकेले रहना है। इसके बाद तो बांते जी अकेले कहीं जाता है, जाकर के बैठ के पंच निवरण को मिटाता है, मिटा के पहला ध्यान, दूसरी ध्यान, तीसरी ध्यान, चौथी ध्यान प्राप्त करता है। चौथी ध्यान तक प्राप्त करके अंत में सारे अरहत के लिए प्रैक्टिस करता है।
अंत में उनका मन में जो कुछ साराग द्वेष मोह गंदगी सारे गंदगी को मिटा देता है, उत्तम अरहंत अरहत को प्राप्त करता है। ये भगवान बुद्ध जी अपने शिष्य लोगों को सुधारने वाले एक आश्चर्यचकित मार्ग तरीका है। ये मार्ग संपूर्ण होने के बाद भगवान बुद्ध ने बताता है, पुण्यवान भिक्षु जितना इस विश्व में क्षीर पथ में यानी कि मिल्क वे ना मिल्क वे से भी आगे कहीं से भी जितना प्राणी है सारे प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ होता है अरहंत लोग। ये टाइम टेबल संपूर्ण होने के बाद कहता है। तो आप लोगों को उन अरहंत लोगों का नाम सुनने के लिए भाग्य मिला, उन उत्तम पवित्र संत लोगों का नाम सुनने के लिए आपका भाग्य मिला। ये भाग्य आप पिछले किया हुआ पुण्य के अनुसार मिला है। आप देखिए हम लोग अरहंत लोग के बारे में सुने हैं, अरहंत महाकाश्यप बंती जी का जीवन कैसा है, कमाल है, आश्चर्य है, खूबसूरत है, पवित्र है, निर्मल है, उनका हर एक आचरण ब्यूटीफुल है। इनके बाद अरहंत सारिपुत्र बंती जी इतना ज्ञानी, उनका ज्ञान के आगे सिर्फ एक व्यक्ति है, भगवान बुद्ध है और कोई नहीं, कहीं भी मिल्की वे से आगे भी कहीं नहीं। इतना महान व्यक्ति कितना सरल रहता है ना। एक बार बताया हम भिखारी बच्चा जैसा, पैर पोछना जैसा, धरती जैसा, गुस्सा क्रोध नहीं करते, कमाल ऐसे लोग। अरहंत महामोग्गल्लान बंती जी उनसे ज्यादा रिद्धिमान सिर्फ भगवान बुद्ध है, कितना महान है। अरहंत आनंद बनते जी, अरहंत अनुरुद्ध बनते जी, इन लोग कहाँ रहते, इतना बलवान होते हुए भी कहीं जंगल में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, अहिंसक है, पवित्र है, निर्मल है। और ऐसा अरहंत लोगों के नाम से संगदान तैयार कर रहा है। ऐसा है तो श्रद्धा मन से करना चाहिए। याद रखिए ऐसा पुण्य करते समय बाधक बहुत आएगा, हमेशा बाधक आएगा शरीर पे नहीं, मन पे आ जाएगा, मन पर, मन को परेशान कर देगा। हमेशा याद रखिए मन खुशी रखने के लिए कोशिश करिए। आपका मन में कितना, हम लोग का मन नीच है ना, स्वभाव से हमारे मन नीच है, उत्तम तो नहीं है। तो आप लोग का मन में या मेरा मन में भी हमेशा कोई ना कोई गलत फहमी हो सकता है, गलत विचार आ सकता है, या तो फिर गुस्सा हो सकता है। हमेशा योनिसु मनसिकार में रहने के लिए कोशिश करिए। ये एक तारीख तक खुशी से रहने के लिए कोशिश करिए, फिर भी टेंशन आएगा, एक तारीख तक फिर भी परेशान होगा, मुश्किल हो जाएगा और कभी कभी मन नहीं लगेगा, छोड़ जाने के छोड़ देने का मन करता है, क्यों, बहुत पावरफुल एक पुण्य पे हाथ लगा रहा है। इसीलिए मेरे पास एक आइडिया आया, हम लोग मेहनत करके हमेशा संगानुसति ध्यान करते रहना चाहिए। संगानुसति ध्यान करते रहेंगे तो कुछ दूर तक नहीं, बहुत दूर तक, अगर अच्छा से करते हैं तो क्या बात है। संगानुसति ध्यान से बहुत फायदा है। आप सभी लोग 2 दिन संगानुसति ध्यान, 3 दिन संगानुसति ध्यान याद करके करते रहिए। आप लोगों को अभी पूरा विश्वास हो गया कि संत लोगों के बारे में, सबसे पवित्र संत लोग कहाँ पर है, बुद्ध शासन में है, सबसे महान बुद्ध शासन में। इसलिए उन संघ के बारे में हम लोग थोड़ा आके बंद करके मनन करेंगे। साधु साधु।